सदगुरु महाराज की सनातन धर्म की जय। मां सोनल बा मातनी जय। शांति राम बापानी जय। ओ पार्वती पते हर हर महादेव। अज सदगुरु ये कृपा करी हे ब्रह्मास्त्र दिदो बलकारी। अज सेवन करता निज भाव थी भेटा नेजाधारी। सेवन करता निज भाव थी भेटा नेजाधारी। तो ब्रह्म तत्व ने पामवा करी ले सदगुरु शरण नी से। दास मनु कह निज महल निरखाय निरंजन दे। मायला नी अंदर गुरु महाराज निरंजन मारा नाथना दर्शन करावे हो। दास मनु कह निज महल निरखाय निरंजन दे। सदगुरु विना कोई वस्तु प्राप्त थाए ते वा जगत मान थी वाए। वेद पुराणो कदाश ब्रह्माना पुत्र है कदाश शिवजी महाराज ने पण गुरु महाराज बृहस्पति आश्रम जवू पड़ू। राम भगवान ने वशिष्ठ मुनि ना आश्रम जई योग करवो पड़ू। सतुर्मास है योग वशिष्ठ रामायण रसाणी कृष्ण परमात्मा ने दुर्वासा मुनि ने शरणे जवू पड़ू। हे रुक्षमणि राणी श्री कृष्ण ने रुक्षमणि रथे ध्यान रथ मा बैठा दुर्वासा। बाबा रामदेव जी महाराज ने बाड़ीनाथ बाबा ना शरणे थवू पड़ू। एक एक अवतारी पुरुषो ने गुरु महाराज ना शरणे थवू पड़ू। तो आ जीव दिशा वाला ने तो गुरु महाराज ना शरणे जवू जोई। शिव दशा मटी अने शिवनी गति प्राप्त करे वायो। पण गुरु महाराज कोई पूर्वनी कमाणी होय अने परमात्मानी पूर्ण कृपा थाय कोई आगोळनी ओळखाण होय तो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु महाराज नु शरण मळे। बाकी नुग्रो तो आ संसार मा कोई नथी वाजे। जेम से तेम व्यास भगवान पोताना पुत्र सुखदेव मुनि ने कीधु के तारे जनक पाया जावू पड़शे वाए। मराथी आ वस्तु पूर्ण तने प्राप्त नहीं थाए। कहवानो भावार्थ गुरु तो बधाय ने होय पण ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व ने माननारा जाणनारा ने केवल भक्ति नो आधार हो एवा गुरु मळे। संसार मा सरस्यो रहे मन मारी पास है।
के परोठी वाले ना क्यों इसी बेहदा इन आशीर्वाद आप आपा बेहदा इन सेवको ने लाइन लागे ने माया नो ढगलो मार आपने मुक्ता दा एवा गुरु ने माया हारू मोर पात्र मुकी दे नाखो माया लीधा आशीर्वाद एवानी वात नहीं वाया ऐज ब्राह्मण कुल उज्जवल करो एक महान पुरुष नी वात करी आज पंचाळू ना पीर सुनीला जैन पण कोई ने पूछो सामदू भगत नी जग्या त्या तो ही बतावे होवाय 16 किलोमीटर दूसरे सताय सायला जैन पूछो तो ही ढेडू की बनायु तीरथ धाम है जी अनेक भक्तों ने निमाजिया अनेक भक्तों ने निम लेवरायवा केना निजारना सत्य धर्म ना पाप थी दूर रहू धर्म थी टुकड़ा रहू अन्नदान देवू सेवा ने समरण करू विश्वास प्रेम भावना निष्ठा शरणागति हो सत्य वचन विश्वास ने शरणागति आ धर्म ना पाया ना एने बादोट बिहारी दीदा भाई आवा महान पुरुष अनेक अधिकारी ने निमाजिया आप्या ब्रह्म ज्ञान तो महान पुरुष वलिया पुरुष नी बात करी तो सजग पूर्णा संत एम एम महात्मा नी वेल साईला जे लालदास महाराज तेमना शिष्य राघव बापा तेमना शिष्य वशराम बापा ने तेमना शिष्य शांतिराम बापा तेमना अर्धांग ना धर्म ना धोरी मा सोन बाय धर्म ने दीपायो अनेक साधु संतो ने तृप्त कर्या ने टुकड़ो आपी जेमनी पासे ओढ़ ओढ़ो इगा जमीन सताय साधु संतो ने खवारी दीदी बधी है कहवाय से के मोटा मोटा मुनिवरो मोटा मोटा गादीपतिओ ने मोटा मोटा संत ने भक्तो ना मेळावड़ा थता हो हरिहर नी आकल पड़ती कहवाय से एक वार जारे नवरू नुदा बनातू त्यारे खुशालदास भगत बापा रणुदा ना महंत्या पधार्या अने त्या गाड़ी मा पेट्रोल थई रह्यो है बापाए प्रमाण आप्यु शांतुराम बापाए पानी नाखी गाड़ी राजकोट पगाड़ी आ लोक साहित्य नी वातु ने जीवाय तो प्रमाण जेने नजरो नजर निहाळ्या एमनी वातु छे अवा अनेक परसा पूर्या शांतु शांतिराम बापाए तने तन्ना मेला मा जेनी रावटी पड़े हाल ने अंदर पण बेतन रावटी शांतिराम बापू नी प्रथम रावटी पड़े है तेमना शिष्य दानुराम जे संतराम मरवाला जग्या से तेमना दीकरा विष्णु महाराज त्या रावटी लेने जाईस भक्तो ने संतो नी सेवा करी समाज ने टुकड़ो आपे साल ने अंदर जा कामदेव ने बाली नु भस्म करो शिवजी महाराजे जा द्रौपदी नो स्वयं रसाणो जा देवाज पंडित देवल देने वर्या ते जग्या बे कुंड से त्या मेळो भराय से तरणे तर त्याल नी अंदर आवटी पड़े अने जय जयकार शांतिराम बापू नो थाय आवा महान नु वालिया पुरुषे अनेक प्रमाण अने परसा आप्या પણ વૃદ્ધિ તો ભાઈ બાવળ ની થાય આંબા અને કોઈ ફળ ફળાદી ની વૃદ્ધિ થતી નથી
मुरदास बापू अमरेली मां थे आ त्या पण खंडेर पड़ा लाल शने लोग शिवाय वृद्धि थाय ते हुआ कड़ी काल नी अंदर कोई कट ठिकाणो होय वाय हो कैसे करावटी भाद्रवास युद्ध बीजने दिवसे बापा रावटी लेन जदाता ने माता सोनबा ने बे सेवको ने माल सामान गाड़ा नी अंदर भरी बापू ने एक दीकरो कहे से गाडू ख्याल विना आलू अने पोतानो पुत्र पैडा नी अंदर आवी गयो अने मृत्यु पामो सो शांतिराम बापा ए कीधु बे सेवको उतरी जाओ अमारे तो त्यां जावुं पड़े બે સેવકો ને ઉતારી અને કાર્ય પૂરું કરવાનું કીધું આવા મહાન વર્યો પુરુષે બે વ્યક્તિ ને સજીવન કર્યા છે અનેક પ્રમાણો આપ્યા 70 ની સાલ ની અંદર બાપુએ સેવકો ને સમુદાય ને કીધું કે મારે હવે જવાની તૈયારી થઈ છે ટૂંકમાં કહીએ તો આખી ઢેઢુકની અંદર બાપુરામની પાલખી ફરી છે એ વખતમાં જે હાજર હતા એવા મહાન પુરુષો વાત કરે છે રામદરીવાળા મનજી બાપા નારણદાસ બાપા કહે છે કે બાપુ સમાધિની અંદર બેઠા અને પોતાના આત્મા રામને હરિના તેજ ની અંદર સમાવી દીધું હોય જીવતા સમાધિ લીધી હોય આવા વલિયા પુરુષ ની જગમાં જય જયકાર થયો છે કોઈ પૂર્વ ની કમાણી છે મારા રામ ને એમના અધામ ના ધર્મ ના ધોરી બાપુ રામ ગયા પછી સોનબા માતા નું શરણ મળ્યું 101 વર્ષ થયા સોનબા માતા ના સંતો ને ટુકડો પ્યારી ટુકડો સેવા અને સમરણ કરી અનેક ભક્તો ને એને ધર્મ ને માર્ગે વાળ્યા આવી વાતો મહાન પુરુષ ની છે હાલ ની અંદર પણ ઢેડુક ની અંદર જઈએ તો બાપુ રામ ની અને સોનબા માતા ની સમાધિ છે તેમની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી છે અનેક ભક્તો આવી ત્યાં માથા ટેકાવી અને પોતપોતાનું મનની અંદર સમાધાન થાય છે અને દુઃખ હોય દરિદ્ર હોય દૂર થાય છે પોતાના કર્મ અનુસાર